हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पर न्यूज़ लाने वाला हूं और बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आप लोगों को बताऊंगा। डेली क्रिप्टो हिंदी शो जो मैं आप लोगों के लिए लाता हूं, आज भी लेकर आया हूं। एंड आप लोगों को एक छोटी सी बात बतानी है। आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मेरे एक मामा थे जो काफ़ी सीरियस हालत में थे, तो आज वो पास हो गए हैं। एंड आप लोग उनको प्रेयर्स में याद रखिएगा। एंड उनके लिए काफ़ी दौड़ भाग हम लोग कर रहे थे। तो चलते हैं आज के एपिसोड के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी जो है रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम फंडामेंटल्स और फैक्ट्स को से रिलेटेड अच्छे कॉइन्स का सजेशन देते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं एंड आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे देते हैं। तो टेलीग्राम पर जुड़ना भी मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहली न्यूज़ की ओर, जो कि है कार्डानो बिकम्स थर्ड बिगेस्ट होल्डिंग ऑफ ग्रेस्केल डिजिटल लार्ज कैप फंड। आपको पता होगा ग्रेस्केल दुनिया का सबसे बड़ा ETF चलाता है, एक तरह से बिटकॉइन का म्यूचुअल फंड, एंड उसका नाम है ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट। तो गैस ग्रेस्केल ने अपनी होल्डिंग्स जितनी भी हैं उनमें से कुछ बिटकॉइन को बेचकर कार्डानो को लेना शुरू कर दिया है, और कार्डानो इस तरह से उनकी तीसरी सबसे बिगेस्ट होल्डिंग बन गई है आफ्टर बिटकॉइन एंड इथेरियम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोग ग्रेस्केल को कार्डानो पे बिटकॉइन से ज़्यादा विश्वास बढ़ाया, उन्होंने BTC अपना बेचना शुरू किया, तो ये एक बड़ी बात है। ग्रेस्केल सब्सटैंशियली ट्रिम डिजिटल लार्ज कैप फंड्स बिटकॉइन होल्डिंग फ्रॉम 79.8% बाय द एंड ऑफ Q1 टू 67.47%। यानी 79.8% उनके पास बिटकॉइन था पहले उनके पूरे फंड में, अब 67.47 बिटकॉइन बचा है खाली। और कार्डानो की जो होल्डिंग है उसने बढ़ा दी, इथेरियम की होल्डिंग बढ़ा दी 17.5% से 25.39% तक, एंड इसी तरह से उन्होंने कार्डानो की भी बढ़ा दी है। तो ये एक बड़ी बात है, ठीक है गैस। तो ग्रेस्केल बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता होगा, एंड ग्रेस्केल ने अगर ये किया है तो एक बड़ा मूव है कार्डानो को लेकर, एंड कार्डानो बहुत बुलिश हो सकता है इसके बाद। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेटा या फिर ये बता देता हूँ। पहले तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स का एक सर्वे हुआ जिसमें 26% फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो कि लोगों को रिकमेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कीजिए कहाँ नहीं करिए। उनमें से 26% ने प्लान किया है रिकमेंड करने का क्रिप्टो करेंसीज ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स, मतलब अगले 12 महीने में जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं दुनिया भर के बड़े बड़े, वो लोगों को सजेस्ट करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। फर्दर मोर 49% ऑफ एडवाइजर्स सेड दैट द क्लाइंट्स हैव आस्क्ड देम अबाउट इन्वेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो गैस ये एक बड़ा जो है प्रॉब्लम नहीं, एक तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिनसे इन्होंने बात की ना इन्वेस्टमेंट को लेके, तो उनमें से 49% यानी 50% आधे लोगों ने इनसे सवाल ज़रूर पूछे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तभी ये सोच रहे हैं कि ये आगे चल के अपना जो है क्रिप्टो करेंसीज रिकमेंड करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर, मतलब लोगों को इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये करने वाले हैं रिकमेंड। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अच्छा, JP Morgan, आपको पता होगा JP Morgan कितने बड़ा फर्म है, और उसने वहाँ पर क्या किया, बुलिश ऑन इथेरियम स्टेकिंग फोरकास्ट ग्रोथ। तो इन्होंने बेसिकली कहा क्या है, स्टेकिंग आपको पता होगा, लोग अपने कुछ कॉइन्स को सबमिट करा देते हैं कंपनी के पास उसी, जैसे कार्डानो है तो कार्डानो पे आप स्टेक कर दो, इथेरियम है तो इथेरियम 2.0 पे स्टेक कर दिए। तो इथेरियम का 2.0 आने वाला है, आपको पता है, कल बताया था मैंने, इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक बन जाएगा, जिसमें लोग जितने लोग अपना सबमिट कराएंगे स्टेक कराएंगे इथेरियम उतना फ़ायदा को मिलेगा। तो इसी तरह से जेपी मॉर्गन ने कहा है कि इथेरियम की जो स्टेकिंग है वो सबसे फायदेमंद हो सकती है आने वाले समय में। कहा है कि जैसे ही प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक बन जाएगा EIP 1559 अपडेट के पूरे होने के बाद, उसके बाद देखिएगा 9 बिलियन की आज मार्केट है स्टेकिंग जो कि जनरेट करता है, अगले कुछ सालों में 20 बिलियन हो सकता है इथेरियम का जब प्रूफ ऑफ स्टेक आ जाएगा। उसके बाद जो है प्रेडिक्शन किया है उन्होंने कि 2025 तक $40 बिलियन लोग कमा रहे होंगे सिर्फ स्टेकिंग से दुनिया भर में। तो ये एक बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। नॉट ओनली डज स्टेकिंग लोअर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग क्रिप्टो करेंसीज वर्सेस अदर एसेट क्लासेस, बट इन मेनी केसेस क्रिप्टो करेंसीज पे अ सिग्निफिकेंट नॉमिनल एंड रियल यील्ड। मतलब कहने का मतलब ये क्रिप्टो करेंसीज में आपको सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, अगर स्टेकिंग की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज में आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिल रहा है अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो। मर्काडो बिटकॉइन लेटिन अमेरिकाज लार्जेस्ट डिजिटल एसेट्स प्लेटफॉर्म रेजेस 200 मिलियन USD फ्रॉम SoftBank। SoftBank एक बड़ी कंपनी है, आपको पता होगा SoftBank का लार्जेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो लेटिन अमेरिका में हुआ है, और ये किस में हुआ है, मर्काडो बिटकॉइन नाम की एक यहाँ पर कंपनी है उसमें यहाँ पर डाला है SoftBank ने अपना पैसा। कितना डाला है, $200 मिलियन डाला है, तो बड़ी बात है ये भी एक छोटी सी, ठीक। एंड अच्छा हाँ, मैंने आपको ये बताना था कि बिटकॉइन का ATM की एक स्टडी हुई है, उसमें ये पता किया गया कौन सी कंट्री अगर आगे चल के बिटकॉइन
लीगल टेंडर बनता है और एडॉप्शन होता है किसी कंट्री में, तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा रेडी है जो लग रहा है देखने में कि जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो को लेके, तो कौन सी कंट्री टॉप करेगी? तो यूएस ने टॉप कर दिया है फिर से ब्रॉड क्रिप्टो एडॉप्शन को लेके। यानी कहने का मतलब ये, वहाँ के लोगों से जब रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स एग्जामिन द नंबर ऑफ ATMs, लीगल पॉलिसी एंड गूगल सर्चेज फॉर क्रिप्टो। मतलब उन्होंने गूगल में हो रही सर्चेज देखा, फिर उन्होंने देखा नंबर ऑफ ATM किस देश में ज़्यादा है बिटकॉइन के, लीगल पॉलिसी देखी, और ये सब देखने के बाद उन्हें पता चल कौन सा देश सबसे ज़्यादा आगे है अगर यहाँ पर क्रिप्टो को लीगलाइज करने की बात हो रही हो। तो बिटकॉइन सबसे ज़्यादा ऑब्वियस ही बात है, US जो है सबसे आगे है, और वो जल्दी हो सकता है यहाँ पर कुछ अच्छा मूव दिखाए बिटकॉइन को लेके। डच फुटबॉल टीम टू होल्ड बिटकॉइन ऑन बैलेंस शीट थ्रू न्यू पार्टनरशिप। कहने का मतलब ये है कि डच की एक फुटबॉल टीम है, उसने कहा कि वो अपने बिटकॉइन को बेचेगा नहीं, वो अपनी बैलेंस शीट में रखेंगे ही। एज अल्कमार विल रिसीव बिटकॉइन पेमेंट फ्रॉम इट्स न्यू स्पॉन्सर, यानी स्पॉन्सर जो करते हैं ना खेल में, तो उनसे बिटकॉइन मिलेगा। लोकल एक्सचेंज बिटकॉइन मीस्टर एंड होल्ड ऑन इट्स बैलेंस शीट अनटिल 2024। कहने का मतलब ये है कि वो पेमेंट लेंगे बिटकॉइन में और उस बिटकॉइन को वो 2024 तक जो है रखने वाले हैं, बेचेंगे नहीं। तो ये एक बड़ी बात है, अगर 2024 तक ये लोग बुलिश हैं तो हम लोग कौन होते हैं बीच में यहाँ पर अपना बिटकॉइन बेचने वाले। स्ट्राइक ने कह दिया, स्ट्राइक एक पेमेंट्स ऐप है ठीक है, तो उसने कह दिया कि वो नो फी, मतलब कोई ट्रेडिंग फी नहीं लगेगी, बिटकॉइन की ट्रेडिंग देने वाला है। टेकिंग एम एट कॉइनबेस एंड स्क्वायर। कॉइनबेस और स्क्वायर जो कि आपको पता है ट्रेडिंग देते हैं बिटकॉइन की, वो भी फ्री में, मतलब नो ट्रेडिंग फीस, ट्रेडिंग फीस नहीं लगती, उनका कुछ और ही होता है, कॉइनबेस प्रो कर का प्रोग्राम चलता है जैसे। तो स्ट्राइक भी ट्रेडिंग फीस नहीं लेगा, आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग झमाझम करो, कोई पैसा आपका नहीं कटेगा। तो ये एक बड़ी बात है जो कि बताया, मेक नो मिस्टेक व्हेन यू बाय बिटकॉइन ऑन कॉइनबेस यू आर सपोर्टिंग शिट कॉइंस। गाइज ये देखिए वहाँ पे सेंटेंस आया है, उन्होंने बोला है एंड आवर मिशन इज टू सिक्योर फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल एंड वी वोंट स्टॉप अंटिल वी डू सो फॉर ऑल 8 बिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट। इन्होंने कहा 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, हम 8 बिलियन के 8 बिलियन लोगों तक फाइनेंशियल फ्रीडम लाने वाले हैं और क्रिप्टो के जरिए से लाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट डेटा को लेके। देखिए इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि 2021 में ग्रीन एनर्जी से बनाए जाने वाले बिटकॉइन वो 52% यानी 52.2% बढ़ गए हैं गाइस। तो कहने का मतलब है बिटकॉइन माइनिंग में ग्रीन एनर्जी का यूज़ बढ़ गया है 52.2%, यानी इतना बड़ा रेट है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये सब खबरें जो दबी रह जाती हैं, और यही सब खबरें हैं जो मैं आप लोगों को इस शो में ला के देता हूँ। क्योंकि बहुत से शो तो बहुत चलते हैं नाम को क्रिप्टो के, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि कॉइन के 1000x 10x होने की बात करते हैं। मैं आपको इन बेसिक बता रहा हूँ कि बिटकॉइन का फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको बहुत नॉलेज प्रोवाइड करने वाली। बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल्स फाइंडिंग लुक प्रॉमिसिंग एट फर्स्ट ग्लांस। बिटकॉइन की माइनिंग काउंसिल बनी थी, आपको पता है माइकल सेलर भी उसके मेंबर है। द रिपोर्ट एक्सप्लेन्स दैट सस्टेनेबल एनर्जी यूज इंक्रीज 52.2% बिटवीन Q1 एंड Q2 ऑफ 2021। यानी कि दो क्वार्टर जो है आधे साल में, 2021 का आधा साल हो गया ना, 6 महीने हो गए, तो पहले 3 महीने और दूसरे 3 महीने में अगर जोड़ दिया जाए तो 52.2% का इंक्रीज हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग गाइस, बहुत बड़ी बात है। विद अ 15% अपलिफ्ट इन नेटवर्क एफिशिएंसी मेजर्ड इन PH/MW। Similarly, it was also revealed that its members reported that 67.6% of the total energy used to mine Bitcoin comes from sustainable sources. कहने का मतलब ये, अभी इस वक्त 67.6% जो total energy Bitcoin बनाने में use होती है वो sustainable resources से आ रही है, ठीक है। तो सस्टेनेबल सोर्सेज कौन से हुए? ऐसे सोर्सेज जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, विच एंश्योर्स अ मच लोअर एनवायरमेंटल इंपैक्ट देन दैट ऑफ द इंडस्ट्री इन द कंट्रीज स्पेशली चाइना विच कंसंट्रेट्स मोस्ट ऑफ द बिटकॉइन हैश रेट विद अ लार्ज पोर्शन ऑफ माइनिंग यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई कोल फायर प्लांट। ज़्यादातर जो बिटकॉइन की माइनिंग चाइना में होती है उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है, वो कहाँ से बनाई जाती है? कोल फायर्ड प्लांट से। तो कोयले के यहाँ पर एनर्जी बनाई जाती है, उससे यहाँ पर जो बिटकॉइन को बनाने वाली माइनिंग की जो एनर्जी है वो यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल द नेटवर्क्स एज एनर्जी कंजम्पशन रिप्रेजेंट 0.0007% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। ऑल्सो 56% ऑफ द टोटल ग्लोबल बिटकॉइन माइनिंग इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल एनर्जी। ये बड़ी बात है, ठीक है गाइस, एंड यही डाटा है जो आप किसी को बोल सकते हो, अगर इलॉन मस्क डालते हैं कोई और डालता है तो बड़ी गलत बात है, और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, यही चीज़ मेन है। इज़ द रिपोर्ट बैक्ड बाय द साइंटिफिक मेथड? द बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल स्टार्टेड एज अ रिस्पॉन्स टू इलॉन मस्क एलेज कंसर्न्स अबाउट द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन की माइनिंग काउंसिल बनी थी जब इलॉन मस्क ने बोला था कि बिटकॉइन एनवायरमेंटल को हार्म पहुँचा सकता है,
When Elon Musk shared on Twitter the announcement that Tesla would stop accepting Bitcoin, Bitcoin embarked into a slump that marked the beginning of the end for the bullish trend that it had maintained since the crash caused by the coronavirus outbreak a year ago. The approach taken by the researchers that is tricky to comprehend, to say the least. The data on sustainable energy use and increased efficiency was compiled. ये हो गया. एंड उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर मिलकर बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल की शुरुआत की, जिसमें लोगों ने यहाँ पर ये बताई है, ये रिपोर्ट है, देखिए माइकल सेलर ने खुद ट्वीट किया है. बेस्ड ऑन द बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल सर्वे ऑफ द नेटवर्क, माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी मिक्स इंक्रीज टू 56% सस्टेनेबल इन क्वार्टर 2020, मेकिंग बिटकॉइन वन ऑफ द क्लीनेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. मतलब बाकी इंडस्ट्रीज में बिजली खर्च होती है और बहुत ही ज़्यादा नॉन सस्टेनेबल सोर्सेज से होती है, बल्कि बिटकॉइन ने यहाँ पर इंक्रीज़ किया और बिटकॉइन चेंज हो रहा है. तो ये एक बड़ी बात है कि जिसको प्रॉब्लम बता के इलॉन मस्क ने बिटकॉइन का बुल ट्रेंड एंड कर दिया था, तो उसका जवाब अब मिल रहा है उनको और लोग रिसर्च से बता रहे हैं. स्कैरामुचीज स्काईब्रिज कैपिटल टू लॉन्च प्राइवेट इथेरियम फंड. इथेरियम फंड आपको पता है ना, ETF. अभी बिटकॉइन के ही ETF नहीं अप्रूव किए हैं SEC ने USA के, यहाँ पर बात चल रही है इथेरियम के ETF को लाने की. द फर्म ऑल्सो प्लान्स टू अप्लाई फॉर एन इथेरियम ETF. तो इथेरियम के ETF के लिए ये तैयारी कर रहे हैं. स्काईब्रिज कैपिटल एक बड़ा फंड है, हैज़ लॉन्च अ प्राइवेट इथेरियम फंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स. इट विल ऑल्सो अप्लाई फॉर एन इथेरियम ETF. The firm also waiting for its Bitcoin ETF application to be reviewed. देखिए इन्होंने डाली हुई है पहले से Bitcoin ETF की application, पर ये और प्लानिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इथेरियम की भी ETF लाने के लिए. तो ये एक बड़ी बात है जो आपको पता होनी चाहिए. स्काईब्रिज कैपिटल एक बहुत बड़ा हेज फंड है, देखिए रन बाय फॉर्मर व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंथनी सारामुची. प्लान्स टू लॉन्च अ प्रिवेट इथेरियम फंड. देखिए इथेरियम फंड क्या होता है, छोटा मोटा इथेरियम फंड बोलेंगे जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े लोग, बट वो एक बात नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज़ है इथेरियम ETF से. ETF में क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं और ये आपको स्टॉक्स वाली ऐप्स में मिल जाते हैं. तो इसके लिए जो SEC होता है, इंडिया का RBI हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहले एक बार कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं. अगर पॉसिबल है तो ही अप्रूव होता है. अभी तक SEC ने कोई भी अप्रूव नहीं किया है. कैनेडा में अप्रूव है, बाकी देशों में कुछ कुछ अप्रूव है, बट SEC ने USA में नहीं अप्रूव किया. तो ये था आज का डेली क्रिप्टो हिंदी. आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.